खाएंगे, वोट देने जाएंगे, आधी रोटी खाएंगे, वोट देने जाएंगे। धन्यवाद। इसी प्रकार का बहुत ही प्रेरणादायक आपने नारा लिखा है और ये आपकी क्रिएटिविटी है, आपके इंटेलेक्चुअल कंट्रीब्यूशन है। आप सबों को पुनः धन्यवाद। और फैकल्टी वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, मातरम। कोई नया चीज नहीं है जो हम लोग को पता है कि क्या होता है वोट देना। हमने हमेशा अपने पेरेंट्स को देखा है कि उन्होंने वोट डाला है, क्या किया, वोट का कैसे यूज किया, पर उन्होंने अच्छे से प्रयोग नहीं किया। अब हमारी बारी है कि लोगों को अवेयर कराए। इसी के लिए हम नेशनल वोटर्स डे सेलिब्रेट करते हैं और लोगों को अवेयर कराए कि वो भी वोट देने जाएं। और मेरा नाम प्रिया तिवारी है, मैं पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट से हूँ। आपने भी कभी वोट किया है? नहीं, मैंने कभी नहीं किया, बस मेरा भी 18 साल पूरा हुआ था तो इस पर नहीं कर पाए। हमें अधिकार दिया जाता है कि हम वोट करें, और लेकिन ये शिकायत हमेशा रहती है कि हर कोई नहीं चाहता है वोट करने, भले ही दूरी के वजह से या किसी भी समस्या के वजह से। पर देखिए, वोटिंग से हम अपने सरकार को चुनते हैं, हम सरकार से आशाएं रखते हैं, पर वो सरकार चुनना बहुत ज़रूरी है जिससे हम आशाएं पूरी करते हैं। तो अपनी उंगली का इस्तेमाल करिए और वोट करिए ताकि हम अपने देश को बदल सकें। कितना महत्वपूर्ण है आप लोगों ने? देखिए, सबसे पहले तो मतदान ही बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि स्वतंत्रता सेनानियों और संविधान निर्माताओं द्वारा दिया गया ये तोहफा है, और लोकतंत्र में हमें मतदान का अधिकार मिला, अपनी सरकार चुनने का अधिकार मिला। जब हम सरकार के कामकाज पर उंगली उठा सकते हैं तो हमें अपनी उंगली का उपयोग करना भी बहुत जरूरी है। लेकिन जो यूथ, देखिए, इस नेशनल वोटर्स डे के अवसर पर सेंट जेवियर्स कॉलेज के राजनीति शास्त्र विभाग के बच्चों और प्रोफेसर्स ने मिलकर एक प्रभात फेरी का आयोजन किया, और इस प्रभात फेरी के माध्यम से न केवल कॉलेज और कॉलेज के बाहर के युवाओं को हम जागृत करना चाहते हैं, बल्कि समाज के हर नागरिक के बीच ये संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि मतदान एक महत्वपूर्ण कर्तव्य है। हम अधिकारों की बात तो करते हैं, लेकिन वो सारे अधिकार इस महत्वपूर्ण कर्तव्य के बिना अधूरा है। इसलिए हमारा इस रैली के माध्यम से लोगों से आह्वान है कि जब भी चुनाव का अवसर आता है तो वो अपने महत्वपूर्ण अधिकार, जो मताधिकार है, उसका अवश्य प्रयोग करें।